A very good morning to all of you. Welcome to the vlog. So as some of you may know, मेरा घर बन रहा है. मैं हर थोड़ी देर में आना पड़ता है यहाँ पे देखने के लिए कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. So as you can see, things are happening. This is all my stuff. अभी चलते हैं मेन साइट पे अपने. सो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे देयर इज दिस रूल कि आपको ये पूरा कवरिंग करनी पड़ती है अपने घर की. सो दिस इज़ द आउटर वॉल ऑफ माय प्लेस. एंड यहाँ से हम अंदर चलें तो यू कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. यहाँ पे एक मेक डू शेड बनाया हुआ है इधर वर्कर्स ने. सीमेंट मिक्सर. दिस इज़ द एंटायर हम लोग का जो स्ट्रक्चर है मेन फ्रेम वो है ये. एंड ये जो बांध रहे हैं जो आप नीचे देख रहे हैं बांध रहे हैं इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम. थोड़ा बहुत बता सकता हूँ ये अंडर वाटर टैंक है. ये आपका पूरा का पूरा ड्राइववे है हमारा. ठीक है वहाँ पे एक छोटा सा हमारा पैसेज वे होगा. इस जगह पे सर्वेंट क्वार्टर है. ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस है जहाँ पे ये लोग हैं. यहाँ पे हमारा मेन दरवाज़ा आएगा. वो जो आप छोटा सा कोना देख रहे हैं वो लिफ्ट वेल है शाफ्ट. और उसमें हम लोग लिफ्ट अपनी डालेंगे. करीब 4 पर्सन लिफ्ट जाएगी उसमें. बाकी यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ जाएंगी इधर से ऊपर. एंड फ्रॉम हियर दिल बी आर शो किचन एंड स्टाफ. एंड करंटली वेयर आई एम स्टैंडिंग इज़ वेयर द ड्राइंग रूम विल बी. सो काम चल रहा है. बहुत अंदर नहीं जा सकता बिकॉज जगह जगह पे ट्रेंचेस हैं. ऐसे ईंटें देखो भाई हमारी मोदी जी की ईंटें. यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो जो एक्सेस वाटर होता है उसको इस ड्रेन में पंप किया जाता है. यू कैन सी यहाँ पे एक पाइप ऑलरेडी डली हुई है जो अंदर जा रही है. सो इट्स बीन पंपिंग फ्रॉम देयर एंड कमिंग इनसाइड. क्योंकि जहाँ पे गड्ढे 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 कर रखे हैं इन लोगों ने वहाँ पे पानी भर जाता है. अच्छा पिछले व्लॉग में जो मैं बता रहा था ना अरे गिर रहा है ढीला हो गया वो ये भाई साहब जिस पे मैं अपना फ़ोन टांगता हूँ ये एकदम टुल्लू हो गया एकदम चल नहीं रहा फिलहाल. ये देखो दिस इज जस्ट बिकॉज कि उस तरफ रोड वर्क्स चल रही हैं. आप वो लाइन देख रहे हो उसके बाद जो है सारा का सारा मामला ट्रैफिक इधर घुस पड़ा है. और बड़ी भयंकर भी बेचारा एक ICU यूनिट जो होता है मोबाइल वाला वो जा रहा था एम्बुलेंस. पता नहीं बेचारा कहाँ पहुँचा होगा आगे. आई होप सब लोग रास्ता दे रहे हैं उसको. मम्मी बोर हो रही हैं बैठ के मेरा व्लॉग देख रही हैं. शी इज वॉचिंग द सूरत व्लॉग. आधे घंटे गए इतना देर नहीं लगेगा हमें पहुँचने में. सो वी आर हियर इन सेक्टर 32 नोएडा जहाँ पे ARTO ऑफिस है. और क्योंकि अब हम लोग का परमानेंट एड्रेस जो है वो चेंज हुआ है सो वी हैव टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स चेंज धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्रेस. तो हम लोग यहाँ पे आए हैं. यहाँ पे हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज होगा तो आज मैं और मॉम करवा रहे हैं. पहुँचने में तो बैंड बज गई भाई यहाँ तक. बड़ा दूर था बीच में ट्रैफिक जाम था अच्छा खासा. एंड जिनको पता है कि जब एड्रेस चेंज कराते हैं तो कितने हैसल होते हैं वो जानते हैं. आप बहुत धक्के खाने पड़ते हैं भाई एड्रेस चेंज कराने के लिए. सैलाब देखो यहाँ पे बाइकों का बाप रे. सो द ARTO ऑफिस इज राइट हियर. देन यहाँ पे बीच में बहुत सारे वो लॉयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर जहाँ पे फोटोकॉपी ऑटोकॉपी होते हैं. एंड ऑन द अदर साइड एंड इवन दिस बिल्डिंग दीज बिल्डिंग्स आर फॉर द रजिस्ट्री ऑफ हाउसेस. तो यहाँ पे आसपास जितने भी घर रजिस्टर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं. One eternity later. ARTO का काम हो गया खत्म. इधर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई. गाड़ियों पे गाड़ियाँ ट्रैफिक पे ट्रैफिक. चलो हम अपनी गाड़ी तक पहुँच गए. अब हम लोग को जाना है कहाँ जाना है मैं गाड़ी में बैठ के बताता हूँ. हम लोग जा रहे हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ICCR. ठीक है तो ICCR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मेजरली ग्रांट्स एंड जो आप विदेश के टूर्स करते हो वेर यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स वहाँ पर उन सारे प्रोग्राम्स टाइप के लिए ICCR के लिए आप जाते हो. सो वहाँ पे आना जाना हम आर्टिस्ट का लगा ही रहता है. सो अभी पूरा उनका स्टाफ चेंज हुआ है एंड वी आर गोइंग टू मीट द न्यू DG साहब. चला जाए 3 बजे का अपॉइंटमेंट है. 2:10 ऑलरेडी हो गए. भागो. समय से थोड़े जल्दी पहुंच गए बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कम बिफोर रादर देन बीइंग लेट. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फैसिलिटी. मैं तो बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे. सो बहुत सारे वर्कशॉप्स दादा के यहाँ पे हुए हैं पापा के भी यहाँ पर हुए हैं. इनका जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे. Thank you.
आज़ाद भवन ऑडिटोरियम है जहाँ पे बहुत सारे शोज़ हमने किए हैं। यहीं पे सामने इधर अंदर जाके एक कॉन्फ्रेंस रूम पड़ता है जहाँ पर हम लोग अपने वर्कशॉप्स और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर की हैं। यहाँ का काम हो गया ख़त्म, चलते हैं अब घर क्योंकि वहाँ से फिर एक जगह और जाना है क्योंकि लंच टाइम एकदम पार हो गया। अच्छा खासा तगड़ी भूख लग रही थी तो हमने ये दिखाई दिए। देखो ये विंग्रीन्स का नान चिप्स है जो कि सूरत से मुझे दिया गया था। इतनी कमाल की चीज़ है ना ये, एंड आई थिंक समहाउ ये अभी यहाँ के मार्केट्स में नहीं है या मुझे नहीं पता था, अभी दिखा नहीं है मेरे को यहाँ पे, बट इतनी कमाल की चीज़ है ना ये नान चिप्स। कसम मतलब सॉल्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, एकदम फैट फ्री। हो गया अब हमारा खाना। और ये क्या चल रहा है? गुलाब जामुन है। ये मेरा गुलाब जामुन है जो माँ टीप रही है, लेकिन ये तुम खा के मोटे हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ बांट रही हूँ थोड़ा। घर में हमारे चोटों की कमी नहीं है, बहुत चोटे लोग हमारे घर पे। ये देखो तुम अपना वजन घटा लो और हम चोरी बंद कर देंगे। आपने नेल्स में क्या कराया वो देखो। मैंने फ्रेंच कराया। फ्रेंच क्या करा है? आप फ्रेंच बन गई हो? नहीं, अच्छा तो है, वेरी नाइस। फ्रांस गई नहीं मगर फ्रेंच नेल पेंट तो ले ही सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कंसोलेशन, आपका बेटा बहुत भर गया है। आई हैव बीन टू फ्रांस मेनी टाइम्स। अब रजनी जा रही है करवाने। इनका पहले पुराना काम देखो, जो पुराना काम है इनका, ये वाला तो आपने देखा ही होगा ऑलरेडी। यहाँ से ये एंड इस पे कुछ कील 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 के नेल्स बढ़ने लगते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इधर से गैप्स आने शुरू हो गए। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अब हम जो हैं वो फटाफट अपना बचा खुचा गरीब के पास जो गुलाब जामुन बचा है वो लेके खाके उसके बाद आई एम गोइंग टू ड्रॉप हर। मतलब सोचो कि यहाँ पर जितने वो दिख रहे हैं बालकनियाँ उसमें एक एक फैमिली रहती है यार। आई बस लुक एट द अमाउंट ऑफ बालकनी, आप गिन नहीं सकते। यहाँ पर 6,000 फैमिलियाँ रहती होंगी एक साथ। हम लोग जा रहे हैं 21वें फ्लोर पर, 21 भाई अलग ही दुनिया उस लेवल पर। ऑक्सीजन मास्क लेके जाना पड़ता है। सो वी आर हियर एंड द वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, इसलिए आप लोग फटाफट देखो क्या चल रहा है। कि पिछली बार बहुत ज्यादा एक्सटेंशन लगाया था क्योंकि मेरे एक्चुअल नेल्स छोटे थे। इस बार मेरे नेल्स लंबे हो गए थे तो हमने एक्सटेंशन नहीं लगाया है अलग से। एंड ये बहुत फ्रेश फ्रेश पर्ल फिनिश। श्रियांजलि आवर फ्रेंड इज जस्ट बैक एंड जहां अभी आपको ये पूरा नेल वाला वो दिखा उसके थ्रू ही हम लोग को उसके बारे में पता चला था। एंड देन मॉम गॉट हर नेल डन एंड देन रजनी ने आज अपना नेल कराया एंड देन श्रियांजलि ने भी आज ही अपना नेल कराया। सो आई विल शो यू द थ्री आर्ट वर्क फ्रॉम द सेम आर्टिस्ट। चलो भाई दिखाओ दिखाओ दिखाओ। चलो ये मॉम का है विच इज कॉल्ड लाइक फ्रेंच नेल्स और समथिंग, ठीक है। एंड इसको ये जो है फ्रेंच बट फेडेड फ्रेंच। हां फेडेड फ्रेंच विद क्रोम लुक एंड दिस इज व्हाट इज दिस ये लो मैग्नेटिक कैट आई है एंड बाकी सब नॉर्मल है एंड ओनली ऑन द थर्ड फिंगर शी हैज द मैग्नेटिक कैट आई। तो आज हमने किया है डिनर स्किप और खा रहे हैं मैग्नम। कैसे दिखा रहा भंगड़ा? खाना छोड़ने पे खुश हो रहे हैं, आइसक्रीम खाने पे खुश हो रहे हैं, पता नहीं कैसे खुश हो रहे थे बाबा। चलो भाई खाना पीना भी सब हो गया, खुशियाँ भी सब हो गई, सर पे तेल भी लग गया, यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस हैं। आई रियली होप यू लाइक द व्लॉग एंड इफ यू डिड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ स्टे पॉजिटिव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इट गोज ऑफ द लाइक।